हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा नाइटमेयर टीचर के एपिसोड 7 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। जेसू एग्जाम से पहले वॉशरूम में सीट बना रहा होता है तो उसका बेस्ट फ्रेंड कीते उसे जल्दी निकलने को कहता है। क्लास में कीते जेसू से पूछता है कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो जेसू उसे बता देता है। कीते उन क्वेश्चंस को डेस्क पर लिख लेता है। बुंगू आकर सबको कहता है कि आज से उनके मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाले हैं, और वो सबको अपनी अपनी जगह से उठाकर दूसरी जगह पर बैठा देता है। सब एग्जाम्स देने लगते हैं। बुंगू के पीछे जाते ही जेसू अपना चिट निकाल लेता है, पर उसका चिट नीचे गिर जाता है। तो कित्ते ये देखकर उसे बचाने के लिए बुंगू को कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है, तो जेसू जल्दी से चिट उठाकर अपने मुंह में रख लेता है। बुंगू कित्ते को कहता है कि वो अगर एग्जाम हॉल से बाहर जाएगा तो वो दोबारा अंदर नहीं आ पाएगा। तो कित्ते कहता है कि फिर तो वो एग्जाम खत्म होने के बाद में ही चला जाएगा टॉयलेट। ये रिन किसी काम से टीचर्स ऑफिस जाती है तो वहाँ बुंगू नहीं होता है, तो वो छुपके से अटेंडेंस रजिस्टर देख लेती है जिसमें सुलगी, कीचुल और सियान के नाम कटे होते हैं और जेसू के नाम पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये देखकर ये रिन चौंक जाती है। तभी बुंगू वहाँ आ जाता है, तो ये रिन कहती है कि वो उसके मंगाए हुए डॉक्यूमेंट्स रखने यहाँ पे आई थी, तो बुंगू उसे क्लास में जाने को कह देता है। जेसू कीते को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है और पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो चिट कर रहा था। तो कीते कहता है कि वो जब वॉशरूम में इतनी देर बैठा हुआ था तभी वो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। कीते पूछता है कि उसके जैसा अच्छा स्टूडेंट चिट क्यों करने की कोशिश कर रहा था। तभी बुंगू वहाँ आकर जेसू को काउंसलिंग रूम में बुलाता है। बुंगू उसे कहता है कि उसके फ्रेंड तक ने उसकी हेल्प की तो उसका एग्जाम तो बहुत अच्छा गया होगा। तभी जेसू को खांसी होने लगती है जिससे उसका चिट उसके मुंह में से नीचे गिर जाता है। तो बुंगू उसे एक ड्रिंक पीने को देता है और उसे क्वेश्चन पेपर देता है। कहता है कि अगर उसने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया तो वो उसकी बात को मान लेगा। जेसू ड्रिंक पीकर जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखता है उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। तभी अचानक से जेसू लाइब्रेरी में होता है, तो वो कीते को कहता है कि बुंगू ने उससे कहा है कि वो आगे से एग्जाम अच्छे से दे। जेसू अचानक से बुक के पन्ने पलटने लगता है और अपना मुंह धोने वॉशरूम में चला जाता है। अगले एग्जाम में जेसू आराम से बैठा होता है, तो टीचर पूछते हैं कि क्या वो एग्जाम नहीं देना चाहता, तो जेसू कहता है कि उसने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये देखकर टीचर चौंक जाते हैं। कीते पूछता है कि उसका एग्जाम कैसा गया, तो जेसू कहता है कि क्वेश्चन बहुत इजी थे। ये रिन और बाकी लड़कियाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रही होती है, तो जेसू आकर उन्हें सोल्यूशन बताने लगता है। तभी अचानक से उसे धुंधला दिखने लगता है। जेसू काउंसलिंग रूम में जाकर बुंगू को कहता है कि क्या वो उसे वो ड्रिंक फिर से पीने को दे सकता है, क्योंकि उस ड्रिंक को पीते ही उसकी याददाश्त अचानक से तेज हो गई और उसे सब याद आने लगा, तो क्या वो उसे ड्रिंक का नाम बता सकता है। तो बुंगू कहता है कि अगर वो उस ड्रिंक को फिर से पीना चाहता है तो उसे एक कीमत चुकानी होगी। तो जेसू पूछता है कि उसे क्या कीमत चुकानी होगी। बुंगू कहता है कि उसे अपनी वो मेमोरी देनी होगी जो अब उसके किसी काम की नहीं है। जेसू पूछता है कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो क्या उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो बुंगू हाँ कहता है, तो जेसू मान जाता है। तभी जेसू की उंगली कट जाती है और उसके खून से कॉन्ट्रैक्ट पे उसका नाम लिख जाता है, और यही तो ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।